See, next topic is SSH. SSH stands for secure shell. Fine. SSH भी किस लिए यूज होता है? आपके डिवाइस को, राउटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? SSH यूज करते हैं. जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग टेलनेट के थ्रू राउटर को क्या कर रहे थे? रिमोटली एक्सेस कर रहे थे. लाइक आपके पास में ये राउटर है और ये एक स्विच के साथ में कनेक्टेड था. इसके इंटरफेस में मैंने IP यूज किया, फॉर एग्जांपल 10.0.0.1, और यहाँ पे मेरे पास में कुछ होस्ट लगे हुए हैं. तो आप क्या कर पाते थे, यहाँ पे टेलनेट के थ्रू इस राउटर को एक्सेस कर पाते थे. बट वो आप पे एक सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं था. सिक्योर कैसे नहीं था? आपसे वो कोई पासवर्ड वगैरह मांग रहा था. तो पासवर्ड जब मांग रहे था, यहाँ पे जैसे आप टेलनेट की कमांड रन करते थे और IP बता रहे थे नेक्स्ट वाले का, तो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा वो. अब ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी? इस राउटर के पास में जाएगी. तो जो ये रिक्वेस्ट जाएगी नॉर्मल टेक्स्ट में जाएगी. अब यहाँ पे तो मैं अपना लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर रहा हूँ. आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे, आपका राउटर किससे कनेक्टेड हो सकता है? ISP से भी कनेक्टेड हो सकता है, और आप इस PC से भी क्या कर सकते हो, इसको टेलनेट कर सकते हो. तो जब टेलनेट यूज को यहाँ से करोगे तो क्या होगा, आपसे एक IP एक पासवर्ड मांगेगा. तो जैसे आप पासवर्ड बताओगे इसको, तो ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी ना, इसके पास में जाएगी. वो पासवर्ड मैच करेगा, आपका पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर पासवर्ड क्या होगा, मैच कर गया, तो इसको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी उससे कनेक्ट होने की. और आपका राउटर उससे क्या हो जाएगा सर, आपका PC उससे कनेक्ट हो जाएगा, उसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो. यही हो रहा था. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट में क्या जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है ISP के थ्रू. तो अब यहाँ पे कोई भी ISP एंड से जा रहा है सब कुछ. अब इस कोई भी पैकेट को इसको हैक करेगा तो क्या होगा, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में जा रहा है, उसको पासवर्ड मिल जाएगा. अब उसको IP भी मिल गया उस पैकेट से और पासवर्ड भी मिल गया, तो वो क्या करेगा, अपने मशीन से मेरे राउटर को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. ये तो प्रॉब्लम है एक. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने इस कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, इस रिमोट सर्विस जो हम लोग टेलनेट यूज कर रहे हैं, वहां पे टेलनेट ना यूज करते हुए हम लोग SSH यूज कर सकते हैं. SSH में क्या होगा, जो भी मेरा पासवर्ड जाएगा वो क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी. पासवर्ड मेरा इनक्रिप्टेड जाएगा. अगर उस पैकेट को कोई भी हैक करता है तो वो रीड नहीं कर पाएगा उसको, तो कोई मेरी मशीन को फिर हैक कर पाएगा, राउटर को नहीं कर पाएगा ना. तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग SSH यूज करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक एल्गोरिदम है. कौन सी एल्गोरिदम होती है SSH के लिए, कौन सी एल्गोरिदम यूज होती है? एक RSA एक एल्गोरिदम है. जो कि क्या करती है, आपके पासवर्ड को क्या करती है, इनक्रिप्ट करती है. ठीक है, आपके डेटा को क्या करेगी, इनक्रिप्ट करेगी. और उसको इनक्रिप्ट करने के लिए RSA क्या करता है, RSA एक एल्गोरिदम रन करता है और एक की जनरेट करता है. ये क्या करता है, एक की जनरेट करता है. और जो ये की जनरेट करेगा, ये किसकी हेल्प से करेगा, ये होस्ट नेम और प्लस डोमेन नेम की हेल्प से क्या करेगा, एक RSA की जनरेट कर देगा. RSA एक एल्गोरिदम है, ठीक है, जो कि क्या करेगी, होस्ट नेम और डोमेन नेम यूज करते हुए एक की जनरेट कर देगी. ठीक है, तो आपकी की जनरेट होगी यहां पे. तो अब क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा, अब ये की जनरेट होगी तो जो डेटा होगा आपका क्या हो जाएगा, इस की के थ्रू इनक्रिप्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आएगी वो इनक्रिप्टेड जाएगी, आपका पासवर्ड क्या जाएगा, इनक्रिप्टेड जाएगा. ठीक है, अब उस पैकेट को कोई भी हैक करेगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा ना. ठीक है, तो सामने वापिस से जाके वो क्या होगी, डिक्रिप्ट भी होगी. ठीक है, तो क्या यूज कर रहा होगा, वो डिक्रिप्ट करने के लिए वो की यूज कर रहा होगा, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए वो की यूज होगी आपकी, जो भी इनक्रिप्शन की होगी. ये चीज क्लियर है? तो इसमें भी क्या होता है, सेम ही होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पे VTY क्या कर दिया, VTY 0 इनेबल कर दिया,
इट मीन्स एक टाइम में इस राउटर को कितने लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं SSH के थ्रू, एक कितने सेशन बन सकते हैं वहां पे, एक। अब मैं यहाँ पे 0/1 or 2 भी कर देता हूँ तो एक टाइम में एट ए टाइम कितने यूजर इसको एक्सेस कर पाएंगे, 3 यूजर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपने VTY इनेबल कर दिया, इट मींस इस राउटर पे आपने रिमोट सर्विस क्या कर दी। अब इसको रिमोटली चाहे आप टेलनेट के थ्रू एक्सेस करो चाहे आप SSH के थ्रू एक्सेस करो, क्लियर है ये चीज। चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। एल्गोरिथम क्या कमांड्स होते हैं, ये ऑटोमेटिक यूज करेगा एल्गोरिथम कोई, हाँ कमांड्स होंगे हम लोग यूज करेंगे। तो ये मेरा एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है और स्विच से हम लोग, मैं 4 पीसीज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वही आप केबल से कनेक्ट कर लो इनको। और इस राउटर को भी आप कनेक्ट कर लो, और राउटर को मैं एक आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10.1.1.1/24 पे दे रहा हूँ। तो इसी तरह इन पीसीज को भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मैं इसको देता हूँ 10.1.1.2 आईपी दे रहा हूँ, इसको 3, 4 और लास्ट वाले को 5 आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करते हैं इस पे, फिर उसके बाद में देखते हैं SSH। सो नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबको पता है ये कमांड्स वगैरह ना। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस इज व्हाट 10.1.1.1255, नो फाइन, एग्जिट हो जाओ। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया, इस पे चेक कर सकते हो आईपी इंटरफेस, ब्रीफ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। उसके बाद में आ जाओ इन पीसीज पे, चलो पीसीज पे आईपी कॉन्फ़िगर कर लो आप। इसको मैं आईपी दे रहा हूँ 10.1.1.2, 10.1.1.2। उसके बाद में सबनेट मास्क क्या डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा राउटर क्या अभी मेरे सेम नेटवर्क में ही है। अगर बाहर दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तब आप क्या यूज़ करोगे, डिफॉल्ट गेटवे हमें चाहिए होता है, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिफॉल्ट गेटवे की। सबको पता है ना डिफॉल्ट गेटवे कब चाहिए होता है, जब इस पीसी ने दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तब ये डिफॉल्ट गेटवे चाहिए होगा इसको। अभी तो राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी दिया हुआ है वो क्या है, वो सेम नेटवर्क में है। क्या हो रहा है, 10.1.1.4/255.255.0/24 पे यूज कर रहे हैं हम लोग। मैं इसको यूज कर लेता हूँ 10.1.1.5/255.255.0। चलो एक काम करते हैं, इस पे टेलनेट की सर्विस इनेबल कर, सॉरी रिमोट सर्विस इनेबल करते हैं। तो VTY पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा, लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस, मैं 2 दे रहा हूँ। एट ए टाइम कितने पोर्ट इनेबल हो जाएंगे, 0, 1 और 2, 3 पोर्ट्स हम लोग यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं। यहाँ पे कमांड चलेगी, पासवर्ड देना पड़ेगा इसको, सिस्को पासवर्ड दे दिया मैंने, और उसके बाद में लॉगिन कमांड दे दी। ठीक है, मतलब इस पे टेलनेट, इस पे रिमोट सर्विस क्या होगी, इनेबल होगी। इसको टेलनेट तो कर सकते हो, बट अभी SSH की कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ेगी, आपने करनी पड़ेगी ना SSH की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके SSH कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ पे कमांड रन करोगे, पहले तो सबसे पहले क्या करना है, वो एक की वगैरह जनरेट करेगा, तो होस्ट नेम और डोमेन नेम देना पड़ेगा ना। तो पहले इसको दे दो होस्ट नेम, मैं इसको यूज कर रहा हूँ R1। उसके बाद में आईपी डोमेन नेम, आईपी डोमेन नेम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन याद रखना क्या दिया डोमेन नेम, मैंने दे दिया NB। डोमेन नेम क्या यूज कर लिया हमने, NB, फाइन।
तो अब यहां पे आप क्या करोगे, एक कमांड रन करोगे क्रिप्टो की जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट कौन जनरेट करेगा, आरएसए जनरेट करेगा ना, तो आरएसए ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी बिट्स, आप कहां तक यूज कर सकते हो, इसका क्या मतलब है, ये बिट्स का क्या मतलब है। अब देखो आपका कोई पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए बिट्स यूज कर रहा हूँ, 512 बिट्स यूज कर रहा हूँ, मेरा कोई भी एक पासवर्ड है, तो मेरे पास में टोटल बिट्स होगी कितनी, 512 बिट्स होगी। उस पासवर्ड को उसके अंदर क्या कर देगा, वो इंक्रिप्ट कर देगा, मतलब मिक्स कर देगा, ठीक है। अब मेरे पास में एक बिट है 2048, अब मैं वही सेम पासवर्ड उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो कौन सा पासवर्ड डिक्रिप्ट करना इजी रहेगा, 512 वाला क्या रहेगा, इजी रहेगा ना डिक्रिप्ट करना। तो जितनी ज्यादा बिट्स यूज हो रही होंगी, उतना ही ज्यादा इंक्रिप्शन लेवल क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, उतना ही सिक्योरिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये पूछे आपने कितनी बिट्स यूज करने, मैं बोल रहा हूँ 512 यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्रिप्टो की जनरेट कर दी इसने, फाइन। इसके बाद में क्या करना है आपने, एग्जिट हो गए। अब मैं इस राउटर को क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, अभी बताया तो था 64 ये सपोर्ट नहीं करेगा SSH, ठीक है। अलग अलग एल्गोरिदम जो होती है ना आपकी, अलग अलग बिट्स को सपोर्ट करती है, मेरी जो RSA है वो इसको सपोर्ट कर रही है इस पे। फाइन, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इस राउटर को एक्सेस करते हैं इस पीसी से, तो एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लो, कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे, अदरवाइज तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। कनेक्टिविटी है, मैं उसको एक्सेस करता हूँ, तो आप कमांड चलाओगे SSH स्पेस -l स्पेस डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या था NB स्पेस IP एड्रेस जिस मशीन को आपने एक्सेस करना है, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या था, श्योर राउटर एक्सेस हो गया, मैं इनेबल कमांड चलाता हूँ, लेकिन क्या बोल रहा आगे, बाकी रिक्वायरमेंट क्या है जो टेलनेट में थी, वही आपकी, तो इनेबल पासवर्ड या फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड है, तो हमने वो कॉन्फिगर करना ही पड़ेगा, तो कॉन्फिगर टर्मिनल इनेबल पासवर्ड व्हाट CCNA फॉर एग्जांपल, यू कैन कॉन्फिगर एनीथिंग, सो गो टू योर PC एंड इनेबल CCNA, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, व्हाट डू यू वांट टू कॉन्फिगर ऑन दिस राउटर, यू कैन कॉन्फिगर, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो मेरा राउटर है ना, राउटर पे मैं अगर VTY इनेबल कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैंने इस पे टेलनेट भी क्या है इनेबल है, और इस पे SSH भी क्या है इनेबल है, बाय डिफॉल्ट तो इसको टेलनेट कर लोगे, बट SSH के लिए क्या है, पहले कोई की वगैरह जनरेट करनी पड़ेगी ना इंक्रिप्शन के लिए, तो वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताई आपको, उसके RSA की वगैरह जनरेट करनी पड़ेगी, RSA क्या करेगा, की जनरेट करेगा, उसके बाद में इस राउटर को आप SSH के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे जब पासवर्ड मांगेगा, जब SSH के थ्रू कॉन्फ़िगर एक्सेस कर रहे होगे, तो जो लॉगिन पासवर्ड है वही मांग रहे हैं, टेलनेट के थ्रू भी कर रहे हो तो यही मांग रहे हैं, यही मांगता है कि नहीं मांगता, तो बन वापस कमांड्स पे जाना, कमांड्स पे कमांड्स देख लो कैसे आप लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर करनी है। फॉर एग्जांपल ये आपका राउटर है, इस राउटर को आप इस PC पे क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, इस पे आपने IP कॉन्फ़िगर कर दिया लाइक 10.0.0.1, इसका IP है 10.0.0.2, तो पहले राउटर साइड में क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो देख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, राउटर इस पे पहले लाइन इनेबल कर दो, लाइन VTY लाइक 0.2, तो राउटर कॉन्फ़िग -n लाइन पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दो, लाइक मैंने दे दिया इस पे सिस्को
उसके बाद में लॉगिन, और उसके बाद में क्या करना है, सेट इनेबल पासवर्ड, इनेबल और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, राउटर को एक होस्ट नेम दे दो, होस्ट नेम कुछ भी दे सकते हो आप, क्योंकि होस्ट नेम और डोमेन नेम नहीं दोगे तो वो आपका एक की जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि की जनरेट उन्हीं दोनों को पे क्या करता है, वो कैलकुलेट करके की जनरेट करता है। तो होस्ट नेम दे दो इसको पहले, एक होस्ट नेम दे दिया मैंने लाइक आर वन। हाँ ठीक है, उसको यूज कर लेगा, होस्ट नेम आर वन हो गया, फिर आईपी डोमेन हाइफन नेम, लाइक मैंने एनबी यूज कर लिया। उसके बाद में क्या करोगे, क्रिप्टो की जनरेट कर दो आप, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, आरएसए की जनरेट करनी है तो आरएसए की जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, पीसी पे चलेंगे, कैसे एक्सेस करोगे, SSH स्पेस हाइफन L, उसके बाद में डोमेन नेम NB, उसके बाद में IP एड्रेस जिसको आपने एक्सेस करना है, एंटर प्रेस करोगे, आपसे एक पासवर्ड मांग रहा होगा वो, ये पासवर्ड कौन सा मांग रहा है, मेरा लॉगिन पासवर्ड, तो इसको दे दो सिस्को, हो जाएगा एक्सेस राउटर आपका, इनेबल पासवर्ड सेट कर रखा है हमने, ये कमांड यूज होगी आपकी। L, L स्टैंड फॉर आपका लोकल होना चाहिए आपका, लाइन, L फॉर लाइन। हाँ ये क्लियर है आपको, कमांड्स कैप्चर हो गई। ये नेक्स्ट देखें, इसी में अभी देखो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो मेरा राउटर है ना, राउटर पे जैसे ही मैं VTY पोर्ट इनेबल करता हूँ कोई भी, तो उस पे टेलनेट और SSH बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, इनेबल्ड होता है। मैं जाता हूँ, मैंने अभी देखो मैंने इस पे राउटर पे क्या किया हुआ है, मैंने मैं इस राउटर को क्या कर सकता हूँ, टेलनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि इस पे टेलनेट भी क्या है, क्योंकि मैंने लाइन VTY इनेबल किया हुआ है, तो टेलनेट भी क्या होगा, इस पे इनेबल होगा। पासवर्ड मांग रहे ना, क्या दिया था, सिस्को दिया था क्या, एक्सेस हो गया। तो मतलब आपने इस राउटर पे क्या कर दिया, VTY पोर्ट इनेबल कर दिया, इट मींस इस पे दोनों सर्विस क्या होगी, इनेबल होगी। चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, देख लो, कॉन्फिगर टर्मिनल, लाइन स्पेस VTY स्पेस लाइक 0/2, कमांड चलती है यहां पे, एक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इनपुट, इनपुट के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट ये क्या सेट होता है, ऑल सेट होता है, लेकिन मैं यहां पे टेलनेट को क्या करना चाहता हूं, डिसेबल करना चाहता हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैंने सिर्फ SSH को ही क्या रखना है, इनेबल करना है, तो SSH लिख दो यहां पे, तो यहां पे आप सिर्फ इनेबल क्या है, SSH है, टेलनेट क्या हो गया, डिसेबल। अगर आप ऑल बोल दोगे तो दोनों इनेबल हो जाएगा, टेलनेट बोल दोगे तो सिर्फ टेलनेट इनेबल होगा, SSH बोल दोगे तो सिर्फ SSH इनेबल होगा, नन बोल दोगे तो कोई भी नहीं होगा। चलो मैंने इसको बोल दिया, फाइन, एग्जिट करता हूँ इसको, आ जाओ इस पे, मैं इसको एग्जिट करता हूँ दोबारा, चलो दोबारा टेलनेट कर लो इसको, क्या बोल रहा है ये, नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं इसी से SSH करके देखता हूँ इसको, ये तो हो रहा है, ठीक है। तो आप ट्रांसपोर्ट कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो, इसके ऊपर टेलनेट इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। क्या कमांड थी, राउटर कॉन्फिग, लाइन पोर्ट पे गए हम लोग,
ट्रांसपोर्ट इनपुट इनपुट व्हाट डू यू वांट टू इनेबल ऑल स्लैश एसएसएच एसएसएच टेलनेट यू वांट टू डिसेबल बोथ सर्विस देन यू कैन यूज फाइन क्लियर है इसमें कोई डाउट हो ओके हाँ की तो जनरेट करनी पड़ेगी एसएसएच के लिए आपको क्योंकि तो अगर की जनरेट नहीं करोगे तो डेटा इनक्रिप्ट ही नहीं होगा तो फिर वो एक्सेस नहीं करेगा हाँ सिर्फ टेलनेट ही काम करेगा ओके फाइन एक चीज और मैं यहाँ पे राउटर पे आया और मैं यहाँ पे एक कमांड चला रहा हूँ शो यूजर्स अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी मशीन ने मुझे एक्सेस किया हुआ है टेलनेट या एसएसएच के थ्रू कौन सी मशीन ने मुझे रिमोटली एक्सेस किया हुआ है यहाँ पे तो सेशन बन गए कि हाँ इस मशीन ने क्या किया हुआ है एक्सेस किया हुआ है इस यूजर ने एक्सेस किया हुआ है लेकिन एनबी तो मैं सबको बोल रहा हूँ ना लाइक फॉर एग्जांपल ये भी यूजर है ये भी यूजर है ये भी यूजर है ये भी यूजर है जब रिमोटली एक्सेस कर रहे होगे इसको आप एसएसएच के थ्रू या टेलनेट के थ्रू तो क्या होगा आपको पता रहेगा लाइक मैं यहाँ पे टेलनेट करता हूँ टेलनेट स्पेस टेलनेट तो डिसेबल ही हो गया मैं टेलनेट क्या कर देता हूँ इस पर इनेबल कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइन स्पेस वीटी वाई स्पेस जीरो स्पेस ट्रांसपोर्ट व्हाट इनपुट ऑल मैंने इनेबल कर दिया तो मैं टेलनेट एक्सेस कर सकता हूँ ना उसका लाइक मैं इस मशीन पे टेलनेट कर लेता हूँ टेलनेट स्पेस 10.1.1.1 पासवर्ड मांग रहा पासवर्ड क्या था सिस्को राउटर एक्सेस हो गया मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ इस पे क्या बोलेगा ये टेलनेट स्पेस 10.1.1.1 सिस्को एक्सेस हो गया तीन मशीन पे एक्सेस कर पाओगे ना चौथी मशीन पे एक्सेस हो सकता है फोर्थ पीसी पे आप नहीं एक्सेस कर पाओगे नहीं कर पा रहे ना बट मैंने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से यूजर ने मुझे एक्सेस किया हुआ है मुझे एक्सेस किया हुआ ना राउटर पे हम लोग शो यूजर्स जैसे आप शो यूजर्स कमांड चलाते हो ना तो शो यूजर्स में क्या दिखाएगा इस राउटर को किस किस ने एक्सेस किया हुआ है ये बताएगा कि तीन मशीन्स ने एक्सेस किया हुआ है बट कौन से यूजर ने एक्सेस किया हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरी मशीन को किसने एक्सेस किया हुआ है आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब हम लोग एक काम कर सकते हैं हम लोग लोकल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं लोकल एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं किसका यूजर नेम और पासवर्ड का ठीक है तो इसमें लिखो हाउ टू क्रिएट लोकल डेटाबेस फॉर ऑथेंटिकेशन फाइन तो आप कैसे लोकल डेटाबेस अपना क्रिएट कर सकते हो फॉर एग्जांपल ये मेरा राउटर है इस राउटर पे हम लोग क्या करेंगे फॉर एग्जांपल मैंने एक बना लिया यूजर नेम स्पेस यूजर को कोई भी नेम दे दिया फॉर एग्जांपल क्या नाम देना हाँ भाई आपका नाम क्या है प्रकाश पासवर्ड क्या देना है वन टू थ्री क्यों देते हैं सही वाला पासवर्ड बताओ पासवर्ड वन टू थ्री सेम लाइन है राउटर कॉन्फिग यूजर नेम हावी नेक्स्ट नाम बताओ शिवम पासवर्ड कुछ भी याद रखना पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 यूज कर लिया मैंने ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो एक लोकल डेटाबेस बना सकते हो लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक राउटर है मैंने उस राउटर पे लोकल डेटाबेस बना लिया लाइक फॉर एग्जांपल 50 यूजर्स का ठीक है और यहाँ पे 50 यूजर्स हैं जो कि मेरे नेटवर्क में है जो कि मेरे राउटर को क्या करते हैं टेलनेट करते हैं या एसएसएच करते हैं तो मैं सबको उनका एक एक यूजर आईडी और पासवर्ड दे दूंगा तो जो भी मेरे राउटर को एक्सेस करेगा
तो मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता हूँ कि कौन से यूजर ने उसको एक्सेस किया हुआ है। बट लास्ट टाइम तो क्या था, लास्ट टाइम को तो मैं डोमेन नेम सबको बता रहा था, वो उसी डोमेन नेम से और पासवर्ड से सारे लोग क्या कर रहे थे, उसको एक्सेस कर रहे थे। मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन से यूजर ने मेरे राउटर को क्या किया है, रिमोटली एक्सेस किया है। तो आप अपना एक लोकल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो देख लेते हैं ये लोकल डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है आपका। ओके, मैं एक ही पीसी यूज कर रहा हूँ, फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को, पता चल गया ना। एक और पीसी यूज कर लेंगे, कोई ना, ये लो, दो पीसी यूज कर लेते हैं, सेम आईपी एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ यहाँ पे। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 आईपी एड्रेस इज व्हाट 10.0.0 मैं 1 यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन एग्जिट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गए, उसके बाद में आ जाओ इन पीसीज पे आईपी एड्रेस दे दो। तो मैं इसको दे रहा हूँ 10.0.0 व्हाट 2 कर सकते हो अगर कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी बनाना सीखेंगे ना अभी, अभी हमें डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्टिविटी नहीं बनानी आती ना, वो भी सीखेंगे। कनेक्टिविटी होगी तो एक्सेस कर लोगे आप लोग। ओके फाइन, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, VTY इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस मैं 2 पोर्ट पे इनेबल कर रहा हूँ। तो वेट, VTY अभी इनेबल नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं लोकल डेटाबेस बना के बता रहा हूँ आपको। लोकल डेटाबेस कैसे बनाओगे, यूजर नेम प्रकाश, पासवर्ड 123, यूजर नेम शिवम, पासवर्ड इज व्हाट, चेक करना है, चेक कर लो, शो आई शो रनिंग कॉन्फिग में दिखा देगा ना, मुझे डेटाबेस दिखा रहे हैं। जीरो का क्या मतलब है, ये इस पे कोई इंक्रिप्शन लेवल नहीं है सेट, अभी इंक्रिप्ट नहीं है, बट मैं चाहता हूँ मेरे जो पासवर्ड है यहाँ पे इंक्रिप्टेड सेव हो। मेरा डेटाबेस में पासवर्ड कैसे हो, इंक्रिप्टेड सेव हो। मैंने यूजर इनेबल पासवर्ड बताया था और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड बताया था, डिफरेंस याद है। जब राउटर में इनेबल सीक्रेट पासवर्ड होगा तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में क्या होगा, सेव होगा, बताया था ना। इसी तरह से इस लोकल डेटाबेस के पासवर्ड को भी क्या कर सकते हो आप, यूजर नेम व्हाट, सैम, पासवर्ड इज व्हाट। अब मैं पासवर्ड कमांड नहीं चलाऊंगा, मैं सीक्रेट कमांड चलाऊंगा, याद रखना 1 2 3 4 5 रखा है मैंने। एग्जिट शो रनिंग कॉन्फिग, ये इंक्रिप्टेड सेव हो रहा है। और ये एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहा है इसको इंक्रिप्ट करने के लिए, MD5, ठीक है। चलो पासवर्ड क्या हो गया मेरा, इंक्रिप्ट भी हो गया। चलो अब हम लोग इस पे काम करते हैं, मैं लाइन स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस 1 मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैंने इनेबल कर दिया। लास्ट टाइम मैं लॉगिन क्या बोल रहा था, लोकल, मैं लास्ट टाइम क्या बोल रहा था, लॉगिन बोल रहा था ना, इस बार क्या बोल रहे हैं, लॉगिन लोकल। मतलब जब भी मेरे इस राउटर को कोई एक्सेस करे तो जो यूजर नेम और पासवर्ड जो यूज हो वो क्या हो, मेरा लोकल डेटाबेस क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। इस बार लोकल डेटाबेस मेरा क्या होना चाहिए, तो जब भी यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा वो मेरे लोकल डेटाबेस में जाके वेरीफाई करेगा। एक लोकल डेटाबेस बन गया राउटर में, जब भी मैंने यूजर आईडी पासवर्ड दिया राउटर के पास में जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी इस लोकल डेटाबेस में, वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड मैच करेगा, हाँ मैच हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मेरे राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने लॉगिन लोकल बोल दिया, पासवर्ड देने की जरूरत ही नहीं है इस पे आपको, क्या है नहीं है ना। अब एक काम करते हैं, चलो पीसी पे चलते हैं, फिर एक्सेस करो इसको। क्या कह रहे हो, Whenever you want to access from this PC to this router, जब भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो जो यूजर आई डी और पासवर्ड, जो पासवर्ड मांग रहा होगा वो कौन सा मांग रहा होगा, जो आपने VTY का पासवर्ड क्या किया है, कॉन्फिगर किया है, जब आप लॉग इन कमांड यहाँ पे सेट की हुई है। बट अभी मैंने क्या कर दिया, इस पर अपना एक लोकल डेटाबेस भी बना दिया। तो जिस इस टाइम आप क्या करोगे, जब भी यहाँ पे पासवर्ड असाइन करोगे, रिक्वेस्ट आएगी इसके पास में, वो अपने VTY का पासवर्ड नहीं चेक करेगा, वो जो मैंने लोकल डेटाबेस बनाया उसके पास में रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से वेरीफाई करके क्या होगा, कनेक्ट होगा। हाँ क्या हुआ,
तो जिसको यूजर देख लो इधर, ये राउटर है, इस पे वी टी वाई 0 भी है, वी टी वाई 1 भी है, ये लो। किस पे क्या करना है, टेलनेट करना है यहाँ पे, ये लो। इस पे क्या करना है, ये लो, ठीक है। ये तो आप लोगों ने अपना माइंड यूज कर, ओके देख लो सामने। हम लोग जब इसको रिमोटली एक्सेस कर रहे थे तो इस पे टेलनेट स्पेस 10.0.0.1, जैसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड क्या दिया मैंने, यूजर नेम मांग रहा है ना इस बार, इस बार क्या मांग रहा आपसे, यूजर नेम, यूजर नेम मैंने क्या दिया था, शिवम। पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5। ये राउटर एक्सेस हो गया, दूसरे वाले पीसी पे गया मैं, और यहाँ पे फिर से मैं टेलनेट बोल रहा हूँ, और यूजर नेम मांग रहे हैं, प्रकाश दिया था, पासवर्ड क्या दिया था, 1 2 3, एक्सेस हो गया। अब मैंने इस पे चेक करना है कि कौन से यूजर ने किसको एक्सेस किया हुआ है, मेरे डिवाइस को एक्सेस किया हुआ है, शो यूजर्स, ये लो मेरे राउटर को, एक तो शिवम ने एक्सेस किया हुआ है और एक प्रकाश ने एक्सेस किया हुआ है। तो आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो ना अभी, कि कौन मेरी राउटर को किस किस ने रिमोटली एक्सेस किया हुआ है। तो आप अपना एक लोकल डेटाबेस जनरेट कर सकते हो, उनकी आईपी एड्रेस भी आ रहे हैं यहाँ पे, एक बार एसएसएच के थ्रू करते हैं, भी बता देता हूँ ये, ठीक है। अगर एसएसएच के थ्रू लोकल डेटाबेस को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो इस पे एसएसएच की कमांड पहले क्या होनी चाहिए, लाइक होस्ट नेम R1 IP डोमेन हाइफन नेम सिस्को क्रिप्टो की जनरेट RSA एंटर। चलो आ जाओ फिर यहाँ, SSH स्पेस हाइफन L, यूजर नेम क्या था, तीसरा यूजर नेम क्या दिया था मैंने, सैम, और आईपी एड्रेस क्या उसका, पासवर्ड क्या था उसका, 1 2 3 4 5 सैम का, या 1 2 3 था, अब सैम को मैंने इनक्रिप्ट भी किया हुआ है, एक काम कर लो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, SSH स्पेस हाइफन L शिवम, पासवर्ड क्या था शिवम का, 1 2 3 4 5 एसडी कर दिया था ना बाद में लास्ट, ओह शिट, यहाँ पे हमने लोकल कर रखा है ना, लाइन स्पेस VT बाय स्पेस, क्योंकि ये पासवर्ड किसको मैच कर रहा है, मेरे लाइन पोर्ट का मैच कर रहा था, मैंने लाइन पोर्ट पे जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था वो मैच नहीं हो रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी ना। लेकिन रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी चाहिए, मेरा यूजर आईडी पासवर्ड तो कहाँ सेव है, लोकल डेटाबेस में सेव है ना, तो चलो फिर, नहीं तो अभी लोकल डेटाबेस बना कहाँ, बन गया, बनाया तो है सर, बनाया तो आपने, फिर नो लॉगिन लोकल किया था तो उससे इरेज नहीं होता, लोकल डेटाबेस तो बना ही भाई यार, ये देखो है ना सर, ठीक है, आ जाओ इधर, पासवर्ड क्या था, 1 2 3 हो गया एक्सेस, ये लो शो यूजर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये SSH कवर हो गया, नेक्स्ट इज CDP, CDP स्टैंड फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, सिस्को प्रोप्राइटरी मतलब
जो सिर्फ सिस्को डिवाइसेस में क्या होगा, रन होगा बाय डिफॉल्ट। सीडीपी इज इनेबल्ड इन सिस्को डिवाइसेस, ठीक है। It is used for troubleshooting purpose. यह troubleshooting purpose के लिए use होता है। It gives the information to its immediate neighbor, ये अपने immediate neighbor को क्या करता है, information देता है। For example, ये एक मेरा router ये है और एक मेरा राउटर ही है, दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट सीडीपी क्या होगा, इनेबल होगा। तो ये राउटर क्या करेगा, यहाँ पे सीडीपी रन होगा, ये अपनी इन्फॉर्मेशन क्या कर देगा, सीडीपी के थ्रू इसके साथ में क्या कर देगा, शेयर कर देगा। ये राउटर भी अपनी सीडीपी के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन क्या कर देगा, इसके साथ में शेयर कर देगा। मतलब इस राउटर पे कौन सा आईओएस यूज हो रहा है, इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कौन सा यूज हो रहा है, इस पे इंटरफेसेस कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, आईओएस फाइल नेम क्या है, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये सीडीपी शेयर करता है। फाइन, ओके, इट वर्क्स ऑन लेयर टू, ये आपका एक लेयर टू प्रोटोकॉल है। ठीक है, और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को सीडीपी कैसे काम करते हैं। लेयर टू, क्या थ्री में काम करेगा बताइए। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग टू राउटर्स और थ्री राउटर्स, फाइन, एंड वन स्विच, फाइन, and you can connect it to with the help of cross cable, you have to add some ports, so अब मैं काम करता हूं, इनके होस्ट नेम चेंज कर देता हूं। पहले तो होस्ट नेम चेंज कर दूंगा तो आपको इंफॉर्मेशन देखने में थोड़ा इजी रहेगा ना, कौन से राउटर की इंफॉर्मेशन है पता चल जाएगा ना। एक चीज और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना भूल गया, इसमें सीडीपी के कुछ टाइमर्स होते हैं, सीडीपी के टाइमर्स होते हैं कुछ, जो अपडेट टाइमर होता है वो कितना होता है, सिक्सटी सेकेंड अपडेट टाइमर, और होल्ड डाउन टाइमर जो होगा वो 180 सेकंड। मतलब हर 60 सेकंड में क्या करेगा, ये राउटर सीडीपी मैसेज भेजेगा अपने नेबर को, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा अपने नेबर को हर 60 सेकंड में, और सामने वाला राउटर उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके कितने टाइम के लिए रखेगा, 180। मतलब इनके बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, इंफॉर्मेशन आ गई थी, उस वाली इंफॉर्मेशन को क्या कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगा, उसके बाद में वो क्या कर देगा, फ्लैश आउट कर देगा 180 सेकंड के बाद में, ठीक है। चलो चलते हैं फिर राउटर पे, ओके फाइन। सो मैं पहले वाले पीसी पे, सॉरी राउटर पे जो इसको नाम दे रहा हूं, मैं इसको नाम दे रहा हूं इनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम
CSV, मैंने चंडीगढ़ नाम दे दिया इस राउटर को, ठीक है। दूसरे वाले राउटर को मैं नेम दे रहा हूँ नेवल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम दिल्ली, R3 पे चले जाओ, होस्ट नेम गुड काम। स्विच में मैं दे नहीं रहा हूँ, स्विच का वैसे ही पता चल जाएगा, स्विच आपका स्विच नाम से ही शो करेगा। चलो मैं R1 पे जा रहा हूँ, शो CDP नेबर, मैंने इन्फॉर्मेशन देखनी अपने नेबर की, सॉरी शो CDP नेबर, इन्फॉर्मेशन नहीं आई, पोर्ट अपनी है अभी आपके, पोर्ट अपनी है ना, पोर्ट तो आप करने पड़ेंगे ना। तो चलो मैं इनको IP एड्रेस वगैरह भी एक बार कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0x0 है, इस पर IP एड्रेस क्या है 10.0.0, मैं इसको बंद दे रहा हूँ 25500.0.9 शटडाउन। इस इंटरफेस पे IP दे दिया, मैं इस पर 10.0.0.2 दे रहा हूँ सामने वाले पे, सेम नेटवर्क में आएगा ना, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट बट IP एड्रेस इज 10.0.0। जल्दी तो नहीं चल रहा ना, क्योंकि ये तो बेसिक ही आप लोगों को पता है ना, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी मैं IP कॉन्फिगर कर रहा हूँ। उसके बाद में चले जाओ आप सीरियल 1x0 पे, इंटरफेस सीरियल 1x IP एड्रेस इज वर्ड IP एड्रेस आई एम यूजिंग 20.0.0.1 फॉर एग्जांपल 255.255.255. और एंटर फाइन। उसके बाद में इसको क्या कर दो, नो शट डाउन, क्लोक रेट दे दो ना, क्लोक रेट देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। अब आ जाओ इस वाले इंटरफेस पे सीरियल 1x0 पे, इंटरफेस सीरियल 1x IP एड्रेस इज 9 हो गया। आ जाओ पहले वाले राउटर पे, इंफॉर्मेशन देखनी है मैंने, तो कैसी इंफॉर्मेशन देखोगे, शो CDP, अगर आपने टाइमर देखने हैं तो शो CDP कमांड रन करोगे, ये टाइमर बता रहा है, ठीक है। होल्ड डाउन और तो अपडेट टाइमर है, अपडेट टाइमर ये आ गया आपका और होल्ड डाउन टाइमर ये आ गया, ओके। उसके बाद में शो CDP नेबर्स, इसके बाद में एक इंफॉर्मेशन आई है किसकी, मेरा खुद का राउटर कौन है, चंडीगढ़ का है। इसके बाद में इंफॉर्मेशन आई है एक दिल्ली राउटर की, और वो कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, और इस इंफॉर्मेशन को सेव कितने टाइम तक करके रखेगा, कैपेबिलिटी क्या है, आर है, आर मतलब क्या है राउटर, आर कैपिटल राउटर ना, आर है ना राउटर, ये स्मॉल आर क्या है रिपीटर, प्लेटफॉर्म कौन सा है वो, और मेरे इंटरफेस से किससे कनेक्टेड है वो, यहाँ पे सामने वाले का इंटरफेस आ रहा है और यहाँ पे किसका इंटरफेस आ रहा है, खुद का इंटरफेस। ये तो लोकल इंटरफेस हो रहा है, ये मेरा इंटरफेस है और ये सामने वाले का इंटरफेस है, 147 इतने टाइम तक होल्ड करके रखेगा ये लोग डाउन चला जाएगा, ये कहां तक जाएगा, क्यों 180 जीरो तक जाएगा, जीरो तक क्यों जाएगा, जैसे 60 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे एक और अपडेट आ जाएगा 120 तक जाएगा, ये 120 के बाद में वापस से रीसेट हो जाएगा 180 पे, क्योंकि एक और मैसेज आ जाएगा ना उसके पास में, कनेक्टिविटी थोड़ी ना ब्रेक हुई है, अगर कनेक्टिविटी ब्रेक होगी तब ये जीरो तक जाएगा, जैसे ही ये 120 हुआ एक और मैसेज आ गया उधर से हर 60 सेकंड के बाद में, इसको चेंज कर सकते हैं टाइमर को, हाँ सर कर सकते हो, कर सकते हो, ये चीज क्लियर है। अगर आपने इंफॉर्मेशन देखनी है तो कैसे इंफॉर्मेशन देखोगे, शो CDP नेबर कमांड, एक और कमांड चला सकते हो शो CDP नेबर क्वेश्चन मार्क लगा लो, डिटेल कमांड चला सकते हो आप, अगर डिटेल कमांड चलाओगे तो पूरी डिटेल शो करेगा, दिल्ली राउटर कनेक्टेड है उसका IP एड्रेस क्या है, वो तो जैसे शो वर्जन उस पे चलाएंगे, उसका इंटरफेस कौन सा है और मेरा आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगा, iOS वर्जन कौन सा है उसका ना, ठीक है। अगर आपने ये कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है अपने नेबर की तो इस कमांड से आप देख सकते हो, शो CDP नेबर डिटेल। तो आपने दो कमांड देखी यहाँ पे,
एक तो कमांड चलाई आपने, शो सीडीपी टाइमर चेक करने के लिए, शो सीडीपी नेबर, नेबर की इंफॉर्मेशन बताएगा आपसे कौन कौन कनेक्टेड है और आपके कौन से इंटरफेस से और उसका कौन सा इंटरफेस है। अगर डिटेल से इंफॉर्मेशन देखनी है और भी तो शो सीडीपी नेबर फाइन। उसके अलावा मैं सेकंड वाले राउटर पे जा रहा हूँ। अब सेकंड वाले राउटर को कितनी इन्फॉर्मेशन होगी, कितने डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन होगी, इसके कितने नेबर है, शो सीडीपी नेबर। सामने वाला राउटर जो है वो कौन सी प्लेटफॉर्म का है, कौन सी सीरीज का है, शो सीडीपी नेबर। डिटेल भी चला सकते हो ना, पहले चंडीगढ़ वाले दिखा रहा है, फिर गुड़गांव वाले भी दिखा रहा है। आ जाओ लास्ट वाले पे, इस पे भी दिखा देता हूँ, शो सीडीपी और नेबर। ये पोर्ट अपनी है दूसरे वाला, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ये लो इंटरफेस वास्ट इंटरनेट 0/0/9 आ गई स्विच की इन्फॉर्मेशन भी। ये पहले पोर्ट क्या नहीं था, अब जैसे अब हुआ इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास में। और कैपेबिलिटी क्या है, स्विच है, ठीक है। आप कुछ और भी कमांड रन कर सकते हो, शो सीडीपी इंटरफेस एंटर। तो इस राउटर पे कौन कौन से इंटरफेसेस हैं और उन पे सीडीपी आपका अप है या फिर क्या है, इसका लाइन प्रोटोकॉल बताएगा या खुद की इंफॉर्मेशन बता रहा है। ये उस पर सीडीपी आपका इनेबल है या फिर आप है, वो इंफॉर्मेशन देगा आपको। लाइक मैं पहले वाले राउटर पे आया, शो सीडीपी इंटरफेसेस, इस पर एक ही भी है ना इनेबल, क्योंकि उस पर पोर्ट ही एक ही लगा हुआ है, शो सीडीपी नेबर। इस पर काफी शो सीडीपी इंटरफेसेस, इस पर काफी इंटरफेसेस लगे हुए हैं, तो सबकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सीडीपी आपका उनके ऊपर, सॉरी पोर्ट्स वगैरह आपके आप या नहीं है, प्रोटोकॉल वगैरह, लाइन प्रोटोकॉल वगैरह, और उनके जो टाइमर है वो दिखाएगा इनके, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा शो सीडीपी इंटरफेसेस, सिर्फ एक इंटरफेस की देखनी है, ये लो सिर्फ एक इंटरफेस की बता देगा, ठीक है। शो सीडीपी एंट्री कमांड चल जाएगी यहाँ पे, एंट्री स्टार चला सकते हो या फिर कोई कीवर्ड दे सकते हो। स्टार चलाऊंगा तो सारे नेबर की इंफॉर्मेशन देगा, वही नेबर डिटेल वाली कमांड बता रहा था ना, वो उसी तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेबर डिटेल कमांड चलाई थी ना, वही इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। स्टार की जगह आप जैसे चंडीगढ़ वाले की देखनी है सिर्फ इन्फॉर्मेशन, ये लो सिर्फ चंडीगढ़ वाले की इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सीडीपी क्या करना है, इनेबल या डिसेबल करना है, तो कॉन्फिगर टर्मिनल और नो सीडीपी रन, ये मैं ग्लोबली कर रहा हूँ, जितने भी इंटरफेसेज है सब पे क्या हो जाएगा सीडीपी। वेट, हाँ इसी पे हो ना, तो मैं क्या करता हूँ नो सीडीपी रन, देख लो जितने भी इंटरफेसेज हैं सब पे क्या हो गया, आप जाते हो नहीं, मैंने पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्या करना है, इनेबल या डिसेबल करना है, तो कैसे करोगे, उस इंटरफेस पे जाओ, इंटरफेस मैंने फास्ट इंटरनेट 0/0 पे क्या करना है, डिसेबल, नो सीडीपी इनेबल कमांड चलेगी यहाँ पे, वहाँ पे रन चलती है और यहाँ पे क्या चलती है इनेबल। आ जाओ फिर, शो सीडीपी इनेबल, थोड़ी देर बाद में अपडेट आएगा ना, 60 सेकंड के बाद में, तो एक साइड से ही आएगा अपडेट, फास्ट इंटरनेट 0/0 वाले से,
दूसरी वाली साइड से मैंने पास इतनेट 0/0 पे नहीं आएगा, दूसरे पे आएगा ना। मैंने किस पे डिसेबल किया है? इस पे। बट इधर से तो इन्फॉर्मेशन आएगी ना 60 सेकंड के बाद में। आगे ना किसकी इन्फॉर्मेशन? सिर्फ गुड़गांव वाले की। इसकी इसकी नहीं आई ना, क्योंकि इस पोर्ट पे क्या है CDP, तो इस तरह से आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, लिख लो। अगर ग्लोबली डिसेबल करना है नो CDP रन, अगर आपने पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्या करना है नो CDP इनेबल, अगर रन करना है तो नो हटा दो। ठीक है, फाइन। इससे क्या होगा, जैसे हमारा कोई राउटर डाउन जाएगा तो ऊपर नहीं चलेगा। आपने नहीं चाहते कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले तो डिसेबल कर दो। फालतू का कंजेशन हो रहा है ना, कंजेशन हो रहा है ना, फालतू में अपडेट जा रहे हैं आ रहे हैं वहां पे। आप नहीं जाते ये फालतू के कंजेशन, रिमूव कर दो इनको बाय डिफॉल्ट। हाँ,